दोस्तों, अगर आप एक मोटरोला के फ़ैन हो तो आपके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि मोटरोला का काफ़ी तगड़ा स्मार्टफोन जो कि है मोटरोला 20, जो कि एक 5G स्मार्टफोन है, वो काफ़ी जल्द आपको देखने को मिल सकता है। तो भाई मोटरोला 20 जो है वो काफ़ी तगड़ी फीचर के साथ आपको काफ़ी जल्द इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो उसके जितने भी लीक्ड स्पेसिफिकेशन हैं उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एंड वो किस प्राइस रेंज तक आपको ये फ़ोन देखने को मिल सकता है इस टॉपिक में भी बात करेंगे, एंड ये कब तक लॉन्च हो सकता है, इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, एंड आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भाई आपको कुछ अलग डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो इसके डिस्प्ले के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6.7 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, इसके डिस्प्ले टाइप के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको OLED डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। एंड यहाँ पर जो आपका स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, यहाँ पर आपको 144 हर्ट का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले के लिए काफ़ी तगड़ा कॉम्बिनेशन है तीनों चीज़ों का। और दोस्तों, आपको डिस्प्ले कैसा लगा बताना ज़रूर। और दोस्तों, इसके कैमरे के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो मेन कैमरा है वो आपको 108 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, एंड आपको 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल सकता है, एंड यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो कैमरा देखने को मिल जाएगा। एंड वहीं पे फ्रंट कैमरे की बात कर ले तो फ्रंट कैमरा जो है आपको वो एक पंचोल कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि होगा 32 मेगापिक्सल का। और दोस्तों, इसकी बैटरी के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे लीक में आ रहा है कि यहाँ पे आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, एंड उसी के साथ आपको 30 वाट का टर्बो चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसके चिपसेट के बारे में बात कर ले कि कौन सा चिपसेट इसमें यूज़ हुआ है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। ओके, तो फाइनली अब हम लोग बात कर ले इसके लॉन्च डेट के बारे में एंड इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, जो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है वो, और दोस्तों इसके प्राइस के बारे में बात कर ले तो जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 44,000 रुपीज़ है। तो ये इसी प्राइस सेगमेंट में ये फ़ोन आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, एंड आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।